दोस्त लोग मेरे घर में आए हैं एंड देखो भाई इनको हम लोग खिला रहे हैं चाय। लास्ट टाइम चाय पी थी जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था, उसके बाद मैं अभी पी रहा हूँ 14 साल के बाद। चलो पियो एक बार जरा। ए तू अपनी मुंह छुपा दे भाई, पी नहीं पाता था, गरीबी थी, आटा कम था, इसलिए। अब आपको अमीरों वाली चाय पिलाते, कुल्हड़ में पियो आप। ये डिप करके पिएगा, मेरे को लग ही रहा था भाई। ये नुबड़ा है भाई ये नुबड़ा है भाई। हाँ कप लगाओ ना मुंह में यार, प्रोटा ऐसे पकड़ो, यहाँ से पकड़ो। इनको मैं चाय पीना सिखा रहा हूँ यहाँ पे भाई। हाँ ये भैया आ गया बेलौंडा। हम सिखाएंगे। चाय पीना आता है ऐसे? आप 14 साल के बाद पी रहे, तो खुद 14 साल का है। हाँ फूको तो डायक पियो, डायक पियो, एपिक मोमेंट। 14 साल के बाद, लेट्स गो भाई। तू ना बाहर से बर्फ लेके आ जरा, बर्फ लेके आ जरा यार। तो अदरक भाई, सर्दी में अदरक वाली चाय नहीं पी तो क्या पी भाई? अदरक इसमें पिकाचू डालो, मीठा हो जाएगा। तू बगिर जा, वो भी मीठा हो जाएगा। गो बेबी। तो फाइनली मैंने हाईजैक कर लिया स्मार्टी भाई का फोन। मैं छोटा नहीं कर सकता। लेट्स गो स्मार्टी भाई, छोटा नहीं कर सकता। क्या बोल रहा भाई ये बंदा? अरे मतलब अपना ये क्या बोलते हैं इसको, बीच का टाइट हो रहा था, काफी बढ़िया गाड़ी पर थोड़ा टाइट हो रहा है बैठने के लिए गाइस। भाई देखो, तुम में से जो भी सोच रहा है इसको मेरी शक्ल दिख जाएगी, उसमें से नहीं देख पाओगे भाई। बहुत बहुत बेकार कोशिश है, बहुत ज्यादा बेकार कोशिश है। अरे वो देखो ना, वो साइड वाला कितना छोटा है। अपने बंदों को होटल लेके, अरे ये देखो, ये देखो। अरे वो तुम्हारा फालतू बातें मत करो, एक तो छोटा है और ये बड़ा है। छोटा बड़ा है ये गियर है ना, बेसिकली एसयूवी भाई का है। नहीं नहीं, ये बेसिकली मेरा है, ये ड्रीम बॉय का है। अरे क्या बात कर रहे हो, हम तो अकल की बात कर रहे हैं। ये अकल एक बड़ी अकल। अच्छा ड्रीम बॉय के लिए एक स्पेशल टास्क है भाई, इसको बात करने। एक बहुत ही स्पेशल, तो मेरा एक दोस्त है भाई, देखो यहाँ पे मिकी माउस जी। गले मिलना आपको, टास्क है आपका, गले मिलना है। चूज वन, किमोची और क्वीन जैस्मिन। क्वीन? भाई ये क्या? अरे यार जीव लगा रहा हूँ, टुक्का मार दूंगा आपके हाथ चलेगा। ओह शिट, क्लच क्या हो गया, क्लच पार्क और वॉरियर को आज। देखो मैं आंख बंद करो, कुछ नहीं ऐसा नहीं बोलना पड़ेगा। कूल व्हाट इज इट, व्हाट इज इट, व्हाट चीटर है यार। भाई पॉसिबल है यार, अरे यार रहने दो भाई, रहने दो भाई, दोनों अलग अलग नहीं पॉसिबल है। फाइनली एसजे को मैं मैगी खिला रहा हूँ शिमला में, देख रहे हो भाई? आपको यकीन नहीं होता ना मैगी बनती होगी स्ट्रीट में। मतलब एक्चुअली हमारे यहाँ पे मैगी नहीं बनती, मतलब मुंबई में बिल्कुल नहीं बनती ना, तो रेयर है। तुम्हारे बनती है दिल्ली में? हमारे यहाँ तो बहुत बनती है, गुड़गांव दिल्ली। चॉकलेट मैगी भी खिला सकता हूँ मैं तो। ये वो वियर्ड स्ट्रीट फूड कॉम्बिनेशन वाले नहीं होते, रिएक्शन मारते हैं हम लोग। जो कल रात को आपने कॉक किया उसमें मैगी बनाए तो काली। इसने कॉक पी रात को? हाँ इसने कॉक किया। देख लो भाई, देखो इसमें सब कुछ, सारी वेजीज वगैरह पड़ती है, सब कुछ वेजीज वगैरह पड़ती है इसमें, ठीक है ना भाई? प्रॉपर तड़के वाली मैगी आपके लिए स्पेशल, टेस्ट करके बताना कैसी बनती है, ठीक है? रिव्यू चाहिए हमें आपका, आप फूड ब्लॉगर हो इसलिए। मसाले में अपना बाल डालता हूँ।
भाई ऐसी बात बोलने की बात होती है गई जो भाई ने बोला मेरे को तो मुझे क्यों बता रहा भाई तू मेरा टेस्ट खराब करना चाहता है नहीं मैं लाखों लोगों को बता रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ जब तक मैगी नहीं मिलते ये बाल यहाँ पे रख के रखा है मैगी में डालने के लिए गंदा आदमी है भाई यार नहीं भाई मैं इस ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ आ चुकी है मैगी टेस्ट करके बताइए हमें कैसी बनी है घुस जाना मुंह में घुस जाना नहीं नहीं देख रहा हूँ ना खाओ ना खाओ खाओ देखो गर्म होगी सारा ठीक है मुंह जल जाएगा फिर मुझे गालियां नहीं मारना टेस्ट टेस्ट लेट्स गो बताओ जरा मैगी ओए क्या कर रहा तू दूर हो जा सॉरी ब्रो आई एम सॉरी भाई कैसी लगी सच बोलो सिर्फ मैगी खाने तो नहीं शिमला में वही तो प्लान था पर ये एक मैगी है मुझे इसने बोला था 20 प्रकार की मैगी है भाई सब खिलाऊंगा देखो आप सब खिलाऊंगा कम से कम बाल तो डालो मसाला आता है आपका यहाँ पे पसीना ही डाल सकते हैं अब देखो मैं अपनी नाक का स्मेल बताता हूँ तुम्हें क्या फ्लेवर है मेरी कुत्ते वाली नाक बता रही है चॉकलेट मैगी है चॉकलेट मैगी क्या फोटो खींच रहा भाई बीच रोड में खड़ा होके भाई कोई गाड़ी आके ठोक देगी तेरे को पीछे देख रहा है चार गालियां पड़ी होगी अभी तक तेरे को इससे ज्यादा अच्छी फोटो बननी है दिखाई जरा ओ ये स्पाइडरमैन लग रहे हो माइल्स ऑफ शिमला भाई अब इस बीच रोड में जाके लेट जा मैं खींचता तेरी फोटो मेरे को 1000 रुपए दोगे मैं लेट जाऊंगा पक्का दूंगा मम्मी को सब लेट जा कैश बीच रोड पे स्वेयर टू गॉड इधर चलने आई स्वेयर टू गॉड नहीं 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 इज्जत की बात नहीं भाई मीम है भाई अब क्या कह रहे हो मेरे को लेटने को कहोगे एक बार कूद जा मैं कूद जाऊं यहां लेट से बंदा माना नहीं भाई बंदा बहुत कुछ इसको लग रहा है रिकॉर्डिंग रोकी हुई बट रिकॉर्डिंग ऑन थी भाई यहाँ से कूद जाओ मैं 10,000 दूंगा तूने मारना ही मतलब इसको भाई प्यार नहीं क्या इस बंदे से दोस्त है भाई अपना यार अबे खाइए नीचे और क्या है इसको ठोक दो साले को नीचे मेरे को तो वो मैगी वालों का डर लगता है यार वो जो मैगी बना रहे थे कितना डेंजर था उनके लिए वो इतने से प्लेटफॉर्म पे भाई गिर उनको आदत है दो चापा गिरे हुए होंगे अगर वो गिरेगा ना भाई क्या पागल है इसने कितने दो चापा का चांस रिस्पॉन पॉइंट नहीं बाजू में बैठ नहीं लगा है यार मेरे दिमाग में इतना गंदा आया ना प्लान में तो वो गिर इतने गिर गिर के इतनी प्रैक्टिस हो गई है उनको क्या बने फर्क नहीं पड़ता पार्कोर भाई वाटर बकेट इन्वेंटरी होती है मारेंगे भाई हमको मैं बता वाटर बकेट भी है यहाँ पे देखो भाई नीचे और क्या तो समय आ चुका है अपने दोस्तों को होगा लाला और क्वीन जैस्मिन दिखाने का भाई मैंने बनाया हुआ है आ जाओ तुम लोगों को रेट करना है होगा लाला कितना क्यूट लग रहा है 10 में से रेट करना है होगा लाला कितना क्यूट लग रहा है 10 में से तुझे पता भाई और क्वीन जैस्मिन कितनी क्यूट लग रही है 10 में से रेट करना ठीक है भाई चलो डन है भाई आ जाओ मेरे पीछे गाइस अभी तक पहले इनको मैंने दिखाया नहीं इनको मैंने इस रूम पे जाने से रुका हुआ था देखिए ये है हमारा क्यूट होगा लाला कैसा लगा लाइटें ऑन करो भाई लाइटें ऑन करो भाई अरे ये तो मतलब अलग है ना भाई इसको हटा सकते हो तुम लोग हटा सकते हो कैसा लगा भाई चुड़ैल भाई ऐसे मत करना भाई मुंडी अलग कर दी इसने भाई हमारे पास भी एक होगा ओ शिट माइनक्राफ्ट का अवतार लग रहा भाई सच में रे भाई टन टन क्यूट लग रही है कि नहीं लग रही सच बोलना ये मेरी दीदी ने बनाया छू सकते हो आप बस भाई इसकी मुंडी गिर जाएगी आराम से करियो थोड़ी इसकी मुंडी भी होगा लाला की तरह कैसी लगी भाई आपको है कुछ संबंध तो है नहीं भाई क्यूट है कि नहीं है पीछे से देखो आराम से अगर इसका हाथ गिरा भाई तो दिक्कत हो जाएगी बहुत बड़ी फीचर प्लेन है भाई इतनी इतनी डिटेलिंग नहीं करते ओए क्या उंगली डालो भाई तुम लोग यार उंगली डालो भाई यहाँ डाल दो उंगली भाई तुम कोई दिक्कत नहीं है देखो बहुत मेहनत से बने तो हाथ मत लगा उसके मुंह में अभी उसकी आग फोड़ दी है ये कितना चालू है ना इसको फलाना जी बना देते लगा हुआ ये क्या है गिटार बजा रहा गिटार नहीं है ये ओए तू रगेश को जा रहा कान के बाबत लेके आ जा 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 लेके जा
अभी जा तू वापस, ने मुझे हिमलैंड बचाया है। अच्छा आपको तो हिमलैंड में कुछ काम ही होगा क्वीन जैस्मिन से। एग्जैक्टली, और मैं इसको अब लेके जा रहा हूं। बाय बाय। चलो भाई ठीक है। अरे भाई पर पहले लग जाएगा लोगों को पता व्लॉग का थ्रू। कोई बात नहीं, तुम क्या कर रहे हो भाई? मेरे ये बंदा चुपचाप से होगा लाला की टोपी ले रहा है यहाँ पे। आप पता अच्छे लग रहे भाई, ये पहन के मुंबई वापस जाओगे ना भाई, खुश रहेंगे लोग यार। वो डर लग रहा है उसको भाई, ऐसा मत करो यार, डर रहा है वो बेचारा। चलो भाई इतना काफी इस व्लॉग में। इटली ताइमा मैं ही बनता हूं। मैंने अपने दोस्तों को बस ये रिएक्शन लेना था, देखो बेचारे की बेइज्जती होगी, इसकी बेइज्जती होगी यार। हाँ इसको 10 में कितने? 8 मार्क्स, उसको 8.5 मार्क्स। यार पर इसकी तो टिकट लगेगी अलग से बस में। इंसान है भाई, पर आप बताओ कितने कितना मार्क्स दोगे आप इसको? मैं इसको दूंगा 8.5 out of 10। और इसको? इसको दूंगा 1 out of 10। 1 पक्का? इतना क्यूट है यार भाई। तो मेरा दुश्मन ना। हाँ दुश्मन है। अच्छा दुश्मन है, मान लो दुश्मन नहीं है, फिर कितना दोगे? दुश्मन नहीं है तो सच सच बोलना, कितने क्यूटनेस के बेसिस पे कितना दोगे? करो भाई तो नहीं। ओ ड्रीम बॉय, अपना चश्मा उतारो और इसको पहनो। 10 सेकंड्स लेटर। ओ भाई साहब ऐसे ये लग रहा है असली एंटिटी भाई। से यही होगा भाई, अब से नॉट इवन जोकिंग डूड, ड्रीम बॉय असली एंटिटी लग रहा है। तुम लोग को पता नहीं था होगा लाले की एक्टिंग मैं करता था। ये असली हो गए, इसने रिवील कर दिया यार, ये सच बोल दिया इसने भाई। ये देखो एक और चीज अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं। दिखा दो भाई। ए फुटबॉल खेला के इसके साथ वो अभी ब्लड्स में पता चलेगा कि वो इंग्लैंड पता चलेगा कि कौन किसके पैरों में भाई। इसको वापस आ दिए फुटेज में, इसको जरूर दिखाऊंगा असली होगा। और ड्रीम बॉय गया यार। अभी हम लोग चाय पी रहे थे यहाँ पे, एंड इस जगह मैं चाय पीना सिखा रहा हूँ। जल गया, जल गया, पियो एक बार पियो। देखो देखो मैं आपको सिखा, देखो आवाज सुनो बस, ठीक है? जान रखिए है ना यू, और जितनी भी गर्म चाय पी लोगे अब सेम ऐसे करो। कर ले, हाँ बाहर नहीं माना, अंदर को पिए गया कुछ नहीं जाता भाई, हवा ही जाती है ऐसे। आप अपने होंठ के भी ज्यादा गैप दो ना, देखो ऐसे करो, यूं नहीं हो जाएगा। देखो ये होठों के खेले मुझे नहीं आते। कैसे? हाँ ज्यादा गैप दो भैया, बहुत गर्म है। अरे नहीं मैं भी वही, मैं भी वही चाहिए। ये ना ये ना ये रखो, उनको एक्सपीरियंस है यार। हाँ ये नया है, मैं ऑलरेडी जल चुका हूँ। ओए तीन बार यार, तीन बार वो तो करने पड़ता है, थकान थकान में तो चाय पीनी पड़ती है। दिल्ली में क्या, मुंबई में चाय पी मैंने भाई, ये आइसक्रीम खा रहा था। चार बार चाय पीते हैं। देखा इसके पापा मेरी तरह बिल्कुल सेम। और मेरी बहन तो ये जो मग आता है ना, मैं बड़ा वो जो गिफ्ट वगैरह में देते हैं वैसा पूरा एक मग, और उसके बाद एक छोटा और भर के कप। इतना चाय, इतना यार। आपकी आप यहाँ शिफ्ट हो जाओ, मैं आपकी फैमिली से शिफ्ट हो जाता भाई। मतलब आप निकल जाओ अपनी फैमिली से, उनको यहाँ भेज दो सबको। मैं अनाथ हो जाओ। हाँ, आप अनाथ हो जाओ, उन सबको यहाँ भेज दो। कोई नहीं, मैं अडॉप्ट कर दूंगा आपको। तुम पहले बड़े हो जाओ। अंडे से निकलो पहले, छिलका फोड़ो। सिखा तो दिया मैंने, सिखा तो दिया, अभी भी जल रहा है बट सिखा तो दिया ना मैंने। कल तो बहुत जल्द था मेरा, अभी तक वो ऐसे था ना, कोमल कोमल था, कोमल होते ना वो, अभी हो रहा है, अब वो जल चुके, वो पत्थर हो गया भाई। मेरे पापा ऐसे सुर भी नहीं करते, वो तो गायब हैं। एक्सपीरियंस बोलता है भाई, डेंजर है, एक्सपीरियंस उनका बहुत ज्यादा। चलो एक बंदे को चाय के नुबड़े को हम लोगों ने प्रो बना दिया चाय। मेरी मम्मी कल, जैसे ही मम्मी को कॉल किया ना मैंने, चाय पिया तूने? ये कैसे हो चाय? कितने साल में पिया आपने? 14 साल। याद ही नहीं है लास्ट में चाय कब पी थी, मैंने सिर्फ टेस्ट करने के लिए से एक घूट मारा होगा। आपने तो एक बार भी नहीं शिमला में चाय ना, बड़ा अजीब है यार। चाय की दुकान में जाके कोल्ड ड्रिंक भी क्या है, ठंड में वो भी, और बाद में बोलता भाई मेरे गले में दर्द हो रही है, गलती कर दी लेमोनेड पी के भाई। मैं चाय की दुकान पे गया और इसको बोला लेमोनेड लाके दो। वो 2 सेकंड के लिए प्रोसेस कर, उसका सामान नहीं है, उसके उसको प्रोसेस करना पड़ रहा है कि ये आ गया ना कमांड, ये इसके ऊपर आउटपुट क्या दे रहा है। अब क्या बोलूं मैं, वो ऐसा होगा कि अच्छा लेमोनेड चाहिए आपको, ऐसा हुआ था पहले? कब आया? कम से कम 20 मिनट बाद हम 20 पी लिया, हम खड़े हैं, हम बस वेट कर रहे हैं। वो बाथरूम में उन्होंने बर्फ लगाया, क्या होगा कि बर्फ लगाना पड़ेगा भाई। शिमला में चाय पिया करो, कॉफी मत पिया करो। भाई अभी अभी आज हमसे कुछ सवाल पूछा, पूछो भाई। ये जेन्युइन सवाल, देखो मैं अभी बर्फ में देखने के लिए आया था, पर बर्फ मिली नहीं, तो मेरे पास आइडिया है, कल रात की तरह आज भी 2 डिग्री या फिर 1 डिग्री जीरो हो गया, मान लो जीरो हो जाएगा, तो हम लोग ऐसे पानी का कप लेंगे, ऑलरेडी ठंडा पानी,
और ऐसे उड़ाएंगे तो वो ऐसे बर्फ नहीं बनेगा। पढ़ाई जरूरी है भाई। अरे नहीं पढ़ाई, अरे मैंने देखा है कुछ लोग करते हैं भाई। उसके लिए ना -30 -40 डिग्री चाहिए। देखो देखो आप देखो, मैं लॉजिक समझाता हूँ। पानी हवा में गया, उस पानी का टेम्परेचर माइनस में जाना चाहिए। अरे फिर एक और आइडिया मेरे पास, व्हाट इफ हम लोग फॉर एग्जांपल 7वें फ्लोर पे थे, वहां से हम लोग ठंडा पानी डाले तो वो नीचे नीचे गिरते हुए बर्फ होगा ना। अरे तब तो गर्म हो जाएगा ना, ऊपर से नीचे आ रहे तो। अरे भाई फिर नॉर्मल बारिश गिरता है तब, यही तो बोला था कि बर्फ होता है नॉर्मल बारिश। अरे यार वो इतनी ऊपर से आ रहा होता है कि वो बहुत ठंडा होता है नीचे। क्या सुन रहा भाई मैं, भाई यार पानी ठंडा होता है तो इवेंचुअली वो 0 डिग्री से 0 होगा ना। आपको पानी को -30 डिग्री पहुंचाना जैसे भी करो वो हो जाएगा। फिर अपने हवा में पास एक बेस्ट है, तू सुनना मत। हम एक काम करेंगे, इसको नीचे रखेंगे, इसको कॉन्फिडेंस है ना, हम लोग ऊपर से पानी डालेंगे, इसको क्या बता, हम लोग ऊपर से पूरा बर्फ ही डालेंगे। वो होता है पत्थर, हमने इसको बोला ठंडा पानी डाले, ऊपर से उबलाओ पानी डाल देंगे इसके ऊपर और ये सिल्ली आलू बन जाएगा। नहीं भाई एक्चुअली ये हो सकता है, ऐसे लग रहा है। जाने का समय आ चुका है शिमला छोड़ के। भाई बड़ी याद है कि तुम लोगों के, यार बड़े मजे के हम लोग ने, लेकिन क्यों मजे आए थे ना भाई। अभी करेंगे गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय करके सबको गुड बॉय, गुड बॉय बॉय, बाय बाय स्मार्टी भाई। मिलेंगे बहुत जल्द, अब मिलेंगे, इसके बाद वापस मिलने वाले दिल्ली मिलेंगे भाई, और कुछ तो स्पेशल करेंगे। लव यू गाइस, बाय बाय, आराम से आना ठीक है ना भाई। भगना मुतना हुआ तो कॉल कर देना मेरे को।